गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करेंगे हम अपने इंग्लिश की क्लास में ए टू एन। अभी तक हमने ए टू एन स्टेप बाय स्टेप सीखा है, टू टू लेटर करके सीखे। आज हम रो में लिखेंगे ए टू एन। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी लेटर में प्रॉब्लम हो तो प्लीज अच्छे से देखिएगा, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ए सबसे पहले लिखेंगे हम ए। ए के लिए हम ओनली मिडिल लाइन में लिखेंगे, कर्व थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसी लाइन पे रिपीट करते हुए वापस आएंगे, सी बनाएंगे, ऊपर जाएंगे, इसी लाइन पे रिपीट एंड निकालेंगे टेल। ए। बी के लिए थर्ड लाइन टू फर्स्ट लाइन कर्व बनाएंगे, पीछे से स्टैंडिंग लाइन अप कर मिडिल लाइन तक जाएंगे और इसकी निकालेंगे टेल। बी। सी के लिए ओनली मिडिल लाइन में कर थोड़ा सा आगे जाएंगे, सी बनाएंगे लाइन पे आते हुए और इसकी निकालेंगे टेल। सी। डी के लिए मिडिल लाइन में डॉट कर बनाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसी लाइन पे आते हुए सी बनाएंगे। जैसा कि हमने ए में बनाया था, सेकेंड लाइन तक गए थे, बट हम जाएंगे फर्स्ट लाइन तक, इसी लाइन पे रिपीट आएंगे और थर्ड लाइन को टच करते हुए इसकी निकालेंगे टेल। ई के लिए ओनली मिडिल लाइन में कर बनाएंगे, पीछे से घुमा के इसका बनाएंगे सी और एंड लास्ट टेल। ई। एफ के लिए सेम बी की तरह ही लिखेंगे, बी में स्टैंडिंग लाइन से अप कर्व की लास्ट टेल थोड़ा दूर होती है, बट एफ में ये स्टैंडिंग लाइन से टच होके निकलेगी, ये ऐसे, ठीक है, ये है एफ। जी। जी के लिए कर सी बनाएंगे, ऊपर जाएंगे, इसी लाइन पे नीचे फोर्थ लाइन तक, आगे से थर्ड लाइन को क्रॉस करते हुए इसकी निकालेंगे टेल। देखो, जब हम कर्सिव लिखते हैं तो कर्सिव के कुछ रूल होते हैं, जैसे कि हमें स्टार्टिंग करनी है तो कर्व से। देखो, हर लेटर में स्टार्ट है कर्व और एंड होती है टेल पे। जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो हमें हाथ नहीं उठाना होता, सिंगल फ्लो में ही हमें लेटर को कंप्लीट करना होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच के लिए कर बनाएंगे, पीछे से घुमा के स्टैंडिंग लाइन, इसी लाइन पे वापस जाएंगे, सेकेंड लाइन को टच करते हुए थर्ड लाइन तक आएंगे और लास्ट में निकालेंगे टेल। आई। आई के लिए कर इसी लाइन पे रिपीट करना है और एंड में सेपरेट करते हुए इसकी निकालनी है टेल। आई। कर बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, जिस तरह से हमने जी में आगे से घुमा के टेल निकाली थी वैसे ही जे में, और हेड पे बिंदी। के लिए कर बनाएंगे, पीछे से घुमा के स्टैंडिंग लाइन, इसी लाइन पे जाएंगे, स्टैंडिंग लाइन को टच करते हुए इसकी निकालेंगे टेल। के। एल के लिए कर बनाएंगे, पीछे से घुमा के स्टैंडिंग लाइन और इसकी टेल। एल। एम जैसे हमने स्मॉल में लिखा था, स्मॉल में हमने लिखा था ऐसा एम, अभी भी सेम ऐसा ही लिखना है एम बी और एन बी। डिफरेंस इतना ही है कि हमें स्टार्ट करना है कर्व से। देखो, कर्व से स्टार्ट करेंगे और बस फिर बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने स्मॉल लेटर्स में सीखा था, लास्ट में निकाल देंगे टेल। एम। और इसी तरह लिखेंगे एन। कुछ कुछ लेटर ये स्मॉल लेटर्स की तरह मैच करते हुए हैं। देखो, तो हमने ए टू एन कंप्लीट कर लिया।
आपको डॉट टू डॉट मैच करके, लाइन टू लाइन टच करके लेटर लिखेंगे तो आपसे अच्छे से लिखा जाएगा। इन लेटर्स को ए टू एन को आपको अच्छे से रीड करते हुए ही राइट करना है। ओके बाय।